मंगल सूत्र के जो 19, 20 और 21 नाम के जो मोती हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मोती का मतलब मन के हैं, ज्वेल हैं, रत्न हैं, जो भारत की महिलाएं अपने मंगल सूत्र में धारण करती हैं, पहनती हैं। उनको समझ लेना चाहिए कि उनके हर एक मोती का एक एक मतलब है। जो 38 मोती वो पहनती हैं, 19 इधर 19 इधर, और ये काले रंग के पीले धागे में होते हैं। पीले का मतलब है भगवान बुद्ध के चीवर के रंग से मिलते जुलते धागा होता है, भगवान बुद्ध ने दिए हैं प्रो के। इसलिए जो महिलाएं हैं वो इनके गुण तो भूल गई, और मंगलसूत्र की एक कंपटीशन हो गया कि मेरा मंगलसूत्र सोने का कितना अच्छा और तेरा कैसा। इसके जो सूत्र नंबर 19 है वो इस प्रकार है, आरती वीरती पापा। आरती वीरती पापा, आरती का मतलब है आरती, आरत रत जो रहते हैं, रत रहना जो होता है उसको बोलते हैं प्रेम या आसक्ति। यानी कि आप जब किसी चीज में रत रहते हैं तो प्रेम और आसक्ति हो गई, और आरती का मतलब है कि आप उसमें रत ना रहें। आरती का मतलब अनअटैच्ड रहें, अनासक्त रहें। और वीरती का मतलब है वीत रागी बने, यानी वीर वीत उसमें रत ना रहें, उससे विमुख रहें, वीर वीरती। तो आरती वीरती यानी कि जो आसक्ति है उससे दूर रहें, अनासक्त रहें, और वीरती का मतलब है उससे दूर रहें जो जिसमें आप रत रहते हैं, प्यार में, आसक्ति में। और पापा का मतलब है बहुत सारे पाप, जैसे बुद्धा का मतलब है बुद्ध, ऐसे पापा का मतलब पाप, यानी पाप से दूर रहें और उसमें आसक्त ना हो। तो पाप से दूर रहने के लिए जो परिवार पाप से दूर रहता है, पाप कर्मों से दूर रहता है, उसकी 100 बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ पाप है। जब भी आप मन में पाप लेके आएंगे, गलत काम लेके आएंगे, आपको बीमारी होगी ही होगी, आपको परेशानी होगी ही होगी। इसलिए पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए, आरति रहना चाहिए और वीरति रहना चाहिए। यह है मंगलसूत्र नंबर 19। मंगलसूत्र नंबर 20 है मज्जपाना च संयमो। मज्जपाना च संयमो यानी कि च माने और, मज्जपाना मतलब है मदपान से, और संयम माने दूर रहना चाहिए, संयमित रहना चाहिए, उसमें रत नहीं रहना चाहिए। तो मद्यपान से दूर रहें। जो ऐसे जितने भी पीने की चीजें हैं जिनमें मद है, नशा है, नशीली चीजें, उनसे दूर रहें। यह है महामंगल सूत्र का मोती नंबर 20। और 21 है अपमादो च धम्मेसु। धम्मेसु का मतलब है धम्म में। जो धम्म है, जो प्राकृतिक नियम है, जो भगवान बुद्ध ने धम्म सिखाए हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, उसमें अप्रमाद रहें, यानी कि उसमें रत ना रहें, अप्रमाद के साथ में धम्म को करें, प्रमाद के साथ में ना करें। प्रमाद का मतलब है कि आप आलस या आप ये कि आज करूंगा कल करूंगा, या कोई बुराई या कोई पाप कर्म के साथ में ना करें, बिल्कुल विराग होकर करें, वीत राग होकर करें, और बिल्कुल अलग तरह से उसको बिना किसी प्रमाद के, पमाद के उसे करें। यह है महामंगल सूत्र नंबर, वैसे इसको 7 बोलते सूत्र नंबर, और टोटल ये आता है 19, 20, 21। इस प्रकार से आरती वीरती पापा, मज्जपाना च संयमो, अपमादो च धम्मेसु, एतंग मंगल उत्तमम। यानी कि यह भी मंगलों में उत्तम है। अगर आप पाप से बिल्कुल विमुख रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, दूर रहते हैं, मद्यपान में कोई संयम रखते हैं, कोई मद्यपान नहीं करते हैं, और जो धम्म है धम्म के अंदर आप अप्रमाद से करते हैं, तो ये भी महामंगल सूत्र है। धन्यवाद। आपने मंगल सूत्र का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी इमोशनल पिक्चर आती हैं मंगल सूत्र के ऊपर। स्त्री अपनी जान देने को तैयार होती है, मगर जब विलेन यानी जो खलनायक होता है अगर वो मंगल सूत्र पे हाथ डाले तो हीरो को गुस्सा आ जाता है। जो महिला है वो आग बबूला हो जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है। मेरा मंगल सूत्र छीना तो समझो मेरे पति के प्राण छीन लिए। ऐसी महिमा मंडित करके मंगल सूत्र की डालते हैं ताकि मंगल सूत्र बिके और व्यापार चले, क्योंकि मंगल सूत्र में जो मनके होते हैं यानी कि जो मणि होती है, काले काले मोती होते हैं, वो भी तुलते हैं सोने के साथ में, उनका पैसा लगता है, तो उसमें अच्छी कमाई ज्यादा होती है। मंगल सूत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक आभूषण है, एक ऐसा विभूषण है जिसमें काले मनके लगे होते हैं, और ट्रेडिशनली तो पीला धागा होना चाहिए, अभी सोने में भी वो आता है। मैंने बहुत छाना मगर मंगलसूत्र के बारे में आपको इससे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं। बेसिकली मंगलसूत्र जो है वो पुरुषों के और महिलाओं के, यानी कि जो नर हैं और नारी हैं, दोनों के ही पहनने की चीज़ है। बच्चे भी पहन सकते हैं, बूढ़े भी पहन सकते हैं, सभी पहन सकते हैं, क्योंकि मंगलसूत्र बहुत कमाल की चीज़ है, उसको पहनना चाहिए।
और अगर आप उसे पहनते भी नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर उसे मानना जरूर चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर मंगलसूत्र को आप मानते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सच में आपकी जान को खतरा रहता है, चाहे आप नर हैं या नारी हैं या बच्चे हैं या पुरुष हैं या कोई भी आप हैं। मंगलसूत्र का मतलब है जो कल्याण करे, यानी मंगल, और सूत्र यहां बोला जाता है पाली में, इसको सूत्र बोलते हैं, यानी कि ऐसे वचन, ऐसी बात जो आपका कल्याण करे। और अगर महा लगा दें पहले तो महामंगल सूत्र हो जाता है, यानी कि बड़े कल्याण करने वाले, अच्छा करने वाले सूत्र। इन सूत्रों को, ये सूत्र लोगों का कल्याण करते थे, बुद्ध की वाणी है। 38 उन्होंने बताए, 38 महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए समान है, सभी के लिए बराबर है, खाली महिलाओं के लिए नहीं है। मगर पुरुष ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया, इसलिए पुरुषों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिलाओं को जबरदस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगलसूत्र मानने पड़ेंगे, तुम्हें याद रहे, इसलिए तुम्हारे गले में ये 19-19 मनकों की माला, यानी कि 19 मोती इधर हैं, मणि इधर हैं, और 19 मणि इधर हैं काले रंग की, काले मतलब काले लोग होते थे इसलिए काले हैं, और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीला रंग भी बोल देते हैं, भगवा कलर का धागा, यानी बुद्ध के वचन है, बुद्ध ने बताया है। तो मंगलसूत्र का मतलब है कि 38 वो बातें जो काले लोगों की हैं और जो भगवान ने बताई हैं, इसलिए पीले धागे में हैं, आपको याद रहे, इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम्म चक्र डाल लीजिए, जो बाद में आया तो आपको याद रहेगा कि ये धम्म की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं। ये उसका प्रतीक बना। जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली ट्रेडिशन रह गया, परंपरा रह गई। लोग ये तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे, मंगल सूत्र क्या थे, मंगल वचन क्या थे, वो कौन सी कल्याणकारी बातें थी, वो कौन सी गुड टॉक्स थी, गुड थिंग्स थी, जो हमें 38 थी, 38 थी, अप्लाई करनी थी। वो गले में 38 मन के बांध के बस काम खत्म हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया। जितना जिसको बड़ा मंगलसूत्र जो ले सकता है, सुनार जो थे, जो स्वर्णकार थे, उनके मजे आ गए, वो वहां अपना धंधा करने लगे और उसके हिसाब से उनके मंगलसूत्र बिकने लगे। फिर ट्रेडिशन बन गया और फिर मंगलसूत्र को पति की जीवन से जोड़ दिया। बेसिकली तो पति अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा, पति अगर नहीं चलेगा तो पति का जीवन खतरे में रहेगा। ऐसे ही अगर स्त्री उन 38 सूत्रों को मानेगी, 38 बातों को मानेगी, तो उसका जीवन कल्याणकारी रहेगा, वरना तो डामाडोल रहेगा, खत्म चाहे रहेगा, चाहे वो सांस ले लेते रहे या जीवित रहे। तो वो जो मंगल सूत्र है या महामंगल सूत्र है, वो सारे मंगल सूत्र भगवान बुद्ध ने बताए हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स।